आज के वीडियो में हम आपको जंतु जगत का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में बताएंगे। जंतु जगत का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो उपसमूहों में सबसे पहले किया गया है और इसमें से पहला जो है आता है प्रोटोजोआ, और दूसरा मेटामॉर्फ। प्रोटोजोआ मेटाजोआ प्रोटोजोआ का जो तात्पर्य है प्रोटो धन जोआ से, प्रोटो शब्द बना है प्रोटास से और जोआ शब्द बना है जून से। प्रोटास माने होता है प्रारंभिक, और जून मीन्स होता है जंतु, क्योंकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जून मीन्स होता है एनिमल्स यानी प्रारंभिक जंतु, यानी सबसे पहले इस पृथ्वी पर जो जंतु आए उनको सबसे पहले प्रोटोजोआ में रखा है। और प्रोटोजोआ में जितने भी जंतु हैं सब एक कोशिकीय हैं, एक कोशिकीय सभी जंतुओं को प्रोटोजोआ में रखा गया है और जितने भी बहुकोशिकीय जंतु हैं सबको मेटाजोआ में रखा है। तो प्रोटोजोआ में जितने भी यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं और मेटाजोआ में मल्टीसेलुलर एनिमल्स को रख दिया गया है। इसी के आधार पर अब आगे इनका वर्गीकरण किया गया है। मेटाजोआ को फिर से जो है आगे डिवाइड किया गया है, और जब मेटाजोआ को डिवाइड किया गया तो पुनः इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, यानी दो समूह बनाए गए। पहला नॉन कार्डेट्स और दूसरा कार्डेट्स। नॉन कार्डेट्स का मतलब जिनमें नोटोकार्ड नहीं पाई जाती है, और कार्डेट्स का मतलब होता है जिनमें नोटोकार्ड पाई जाती है। यहां पर थोड़ा सा नोटोकार्ड को हम नोटो कार्ड का यदि आपको बताएं तो नोटो कार्ड का मतलब होता है एक छड़ नुमा संरचना, जो कि जिसे पृष्ठ रज्जु भी कहते हैं, जो कि उच्च कोटि के जीवधारियों में पाई जाती है। यह नोटो कार्ड या तो पूर्ण विकसित होती है या तो अल्प विकसित होती है। इसी के आधार पर जो है जंतुओं को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिनमें नोटोकार्ड पाई जाती है अर्थात छड़नुमा संरचना पाई जाती है, वो चाहे जीवन के किसी न किसी अवस्था में ही पाई जाती हो, लेकिन यदि पाई जाती है तो उसको कार्डेट्स में रखा गया, और यदि जो है नहीं पाई जाती है तो नॉन कार्डेट्स में उसे रख दिया गया है। अब यदि नॉन कार्डेट्स की बात करें तो नॉन कार्डेट्स को मुख्य रूप से आठ भागों में डिवाइड किया गया है। हम इधर जो इनको लिखते हैं, आठ भाग जो हैं वो आठ संघ हैं, जिसमें से पहला संघ होगा ओरिफेरा, दूसरा होगा सिलेंड्रेटा,
तीसरा भाग होगा प्लेटिहेलमिन्थीस, चौथा भाग होगा स्केल मेन्थीस और इसी का पांचवा भाग होगा एनिहिला। इसी का छठवां भाग होगा आर्थ्रोपोडा। सातवां भाग होगा मोलस्का। और आठवां भाग होगा इकाइनोडर्मेटा। ये आपके संघ हैं जिन्हें हम नाम कार्डेट्स के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही साथ ये सभी जितने भी संघ हैं इनमें बहुकोशिकीय जंतुओं को रखा गया। अब यदि इनका हम अलग अलग अध्ययन करें तो सबसे पहले जैसे पोरीफेरा, पोरीफेरा दो शब्दों से मिलकर बना है, शाब्दिक अर्थ इन्हीं में छिपा हुआ है, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखेंगे पोरीफेरा, पोरी शब्द बना है पोरस से, धन फेरा, पोरस माने छिद्र होता है, फेरा माने टूबियर यानी धारण करने वाले यानी छिद्रधारी जन। अर्थात जिनके शरीर में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें ऑस्ट्रिया कहते हैं, उन्हें संघ पोरीफेरा में रखा गया है। और इस संघ की मुख्य विशेषता यह है कि सभी जंतु जो होते हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं यानी समुद्रीय होते हैं। इनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम ऑस्ट्रिया कहते हैं। ऑस्ट्रिया द्वारा समुद्री जल इनके शरीर के अंदर स्पंज गुहा में जाता है और स्पंज गुहा से आस्कुलम द्वारा बाहर आता है। अर्थात सभी स्पंजों को संघ पोरीफेरा में रखा गया है। ठीक इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया था प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का मतलब यूनिसेल्युलर एनिमल्स, यानी वे सभी जंतु जो एक कोशिकीय होते हैं जिन्हें हम केवल सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, इसलिए इन्हें सूक्ष्मदर्शी जंतु भी कहा जाता है। एक कोशिका के अंदर सारी इनकी जैविक क्रियाएं होती हैं। अर्थात जैविक क्रियाओं का तात्पर्य यहाँ पर उन क्रियाओं से लिया गया है जो सजीवों में होती हैं, अर्थात जो जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। जीवन के लिए जो आवश्यक क्रियाएं हैं उन्हीं को जैविक क्रियाएं कहते हैं, जैसे श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है, जनन है, उत्तेजनशीलता है, ये सारी प्रकाश संश्लेषण है, ये सारी क्रियाएं जैविक क्रियाएं हैं जो केवल सजीवों में होती हैं, ये निर्जीवों में नहीं होती। निर्जीवों में के अपोजिट जो क्रियाएं होती हैं या सजीवों के जो अपोजिट क्रियाएं होती हैं वो ठीक जो है सजीव और निर्जीवों का इसी से डिवाइडेशन कर दिया गया है, यानी कि विभेदीकरण कर दिया गया है, अंतर जो है किया गया है। तो सजीवों में जो क्रियाएं होती हैं अर्थात जो जैविक क्रियाएं होती हैं जिससे हम उन्हें सजीव कहते हैं तो उन्हीं को जैविक क्रियाएं कहते हैं। तो समस्त जैविक क्रियाएं चाहे वो श्वसन क्रिया हो, चाहे पाचन क्रिया हो, चाहे उत्सर्जन क्रिया हो, यानी जितनी भी क्रियाएं होती हैं एक कोशिकीय जंतुओं के शरीर में एक ही जगह पर यानी कि अलग अलग उसके लिए ना अलग अलग अंग होते हैं, तो समस्त जैविक क्रियाएं एक ही प्राणी के अंदर अर्थात एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं, इसीलिए इनको यूनिसेलुलर कहा जाता है। इसमें अमीबा, पैरामीशियम,
युगलीना इत्यादि जंतुओं को रखा गया है। ये सभी प्रोकैरियोटिक नहीं है, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक हमने एक दिन आपसे चर्चा किया था। प्रोकैरियोटिक उन्हें कहते हैं जिनमें सत्य केंद्र पाया जाता है, अर्थात केंद्र के चारों ओर केंद्र कला पाई जाती है। केंद्र के चारों ओर केंद्र कला पाई जाती है उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं, यानी सत्य केंद्र जिसमें होता है। जिसमें सत्य केंद्र नहीं होता है, अर्थात केंद्र के चारों ओर केंद्र कला नहीं पाई जाती है, उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में सभी कोशिकांग जो होते हैं वो मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक जो होते हैं उनमें सभी कोशिकांग अलग अलग होते हैं। तो ये सभी जंतु जो होते हैं मुख्य रूप से नदी तालाबों और झीलों में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। जबकि ये पोरिफेरा को यदि आप लेंगे, इस संघ में पाए जाने वाले सभी जंतु जो है मुख्य रूप से समुद्र में पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं आता है आप इसमें जो एग्जाम्पल है इसका देंगे तो आप स्पंज लिख सकते हैं। स्पंजों में कई स्पंज है, जैसे कि उपलेक्टेला है, जैसे कि वाफ स्पंज है। युप्लेक्टेला को सामान्य रूप से वीनस की फूलों की टोकरी भी कहते हैं, जिसे जापान में गिफ्ट स्वरूप दिया भी जाता है। तो इस प्रकार से ये सभी स्पंज जाते हैं। अब इसके बाद आ जाता है सिलेंड्रेटा, अर्थात ये भी तो शब्दों से मिलकर बना है, सेलान धन इंट्रान। सेलान धन इंट्रान का मतलब सीलान एक विशेष रूप से जो है गुहा होती है, जो कि इंट्रान माने गुहा और सीलान सीलान माने जठर, यानी जिनमें जठर गुहा पाई जाती है। तो ये सभी जिनमें जठर गुहा पाई जाती है उन्हें सिलेंट्रेटा संग में रखा गया है। और इसमें जैसे हाइड्रा है, जेलीफिश वगैरह है, इसमें सिलेंट्रेटा में रखा गया है। प्लेटी हेलमेंथिस का शाब्दिक जो अर्थ है प्लेट दम हेलमेंट से लिया गया है। प्लेट माने की चपटी, हेलमेंथ माने क्रमी, अर्थात चपटे क्रमी जो होते हैं, जैसे टेप वर्म होता है, लिवर फ्लूक होता है, तो इनको जो है प्लेटी हेलमेंट में रखा गया है। इसी तरह स्केलमेंथिस विनक्रमी जिन्हें कहते हैं, आगे का भाग नुकीला होता है, और ये मुख्य रूप से जो है प्लेटी हेलमेंथिस और स्केलमेंथिस को देखेंगे तो ये दोनों मुख्य रूप से परजीवी होते हैं। परजीवी उन्हें कहते हैं जो दूसरे जंतुओं के शरीर के अंदर अपना भोजन प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ प्रजनन क्रिया द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, यानी आवास भी वहीं अपना बना लेते हैं। इस प्रकार से हेल्थ स्केल में के अंतर्गत आपका वे सभी जंतु हैं जिन्हें हम तीन क्रमी भी कहते हैं, इनका अगला भाग नीला होता है, जिसमें स्कैरिस मुख्य रूप से आता है। स्कैरिस का भी हम अध्ययन करते हैं। एनिलिडा एनेलस शब्द से बना, एनेलस धन आयडा, यानी कि एनेलस का मतलब होता है रिंग, आयडा माने फार्म होता है आकार, अर्थात जिनका शरीर रिंग यानी कि छल्ले नुमा जिनके शरीर में पाए जाते हैं उसे हम एनेलिडा कहते हैं। इसमें केचुआ जोंक को रखा गया है, इसमें स्पाइरिस और इसके अंतर्गत जो है टेप वर्म यानी इसे फीता क्रमी कहते हैं। ये केचुआ जो सामान्य रूप से आप देखेंगे तो ये जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं। केचुआ मुख्य रूप से उन जगहों पर पाया जाता है जहां पर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि ये उन्हीं कार्बनिक पदार्थों को खाता है मृदा के साथ, और साथ ही साथ मृदा को उपजाऊ भी बनाता है, मृदा को बुलबुले भी करता है, इसलिए केचुए को किसान का मित्र भी कहते हैं। आर्थोपोडा आर्थो धन पोडा अर्थान धन पोडा, पोडा मीन्स पैर होता है, अर्थान माने होता है जोड़ीदार, यानी जिसमें जोड़ीदार उपांग पाए जाते हैं उसे आर्थोपोडा में उन जंतुओं को रखा गया है। और इन जंतुओं की विशेषता होती है कि इनमें तीन जोड़ी बाद पाए जाते हैं, इसमें केकड़ा बिच्छू से लेकर के और आपका ग्रासोपर से लेकर के
तिलचट्टा सभी को रखा गया है, मक्खी मच्छर यानी सबसे बड़ा जो है ये संघ है। इसी प्रकार से मोलस्का, मोलस्का को देखा जाए तो ये मोलस शब्द से बना है अर्थात कोमल शरीर वाले, जिनका शरीर बहुत कोमल होता है और इनके बाहर जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना एक आवरण भी होता है जिसके अंदर ये आराम से जो है पड़े रहते हैं। इसके अंदर का सीपी और घोंघा को रखा गया है। इसके बाद इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा का जो शाब्दिक अर्थ है इकाइनास से लिया गया है, यानी कि खुरदुरी त्वचा होती है अर्थात इनकी त्वचा खुरदुरी या कटीलीदार होती है उसे जो है इकाइनोडर्मेटा में, जिसमें सितारा मछली जिसे स्टारफिश कहते हैं, मोलस्का में सीपी, घोंघा, आर्थ्रोपोडा में मक्खी, मच्छर से लेकर सभी कीट जिनको सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार से ये आपका मेटाजुआ के अंतर्गत आने वाले संघ, जिसमें पोरिफेरा, सीलेटरेटा, प्लेथिहेल्मिन्थी, स्केलमेंथी, जेनेरिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, इन्हीं में सारा इन्हीं का मुख्य लक्षण या जो विशेषता होती है इन्हीं नामों में छिपी है, जिसका आप जो है यदि संधि विच्छेद करके देखें तो उनका शाब्दिक अर्थ सामने आ जाता है। इस प्रकार से ये आपका जंतु जगत का वर्गीकरण में अभी आपको केवल हमने बताया नॉन कार्डेट्स को, जबकि कार्डेट्स का अभी वर्गीकरण नहीं हुआ है। कार्डेट्स का हम वर्गीकरण अगले एपिसोड में करेंगे। तो इस प्रकार से आप सभी को ये बता दें इन जंतुओं का जो वर्गीकरण किया जाता है वो मुख्य रूप से उनके लक्षणों के आधार पर पाए जाने वाले एक ही समूह, एक ही संघ या एक ही गण में जो है जो समान लक्षण होते हैं उसी के आधार पर उनको उस संघ में, उस गण में या उस क्लास में रख दिया जाता है, उसी के आधार पर उनका हम अध्ययन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जंतु जगत का वर्गीकरण का जो नॉन कार्डेट्स है केवल उनका वर्गीकरण है। आगे हम कार्डेट्स का करेंगे लेकिन इसमें एक्सरसाइज आपको करना है। पहला है प्रोटो जोआ, का शाब्दिक अर्थ क्या है? दूसरा पोरिफेरा में किन जंतुओं को रखा गया है? तीसरा जठर गुहा किन जंतुओं में पाई जाती है, किस संघ के जंतुओं में पाई जाती है? परजीवी का अर्थ क्या है? और पांचवा
इकाइयों डेल्टा का सरलीकरण क्या है? ये आज आपका केवल इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको कार्डेट यानी संघ कार्डेटों का वर्गीकरण के बारे में बताएंगे। नमस्कार।